चंडीगढ़ प्रशासन हाय हाय चंडीगढ़ प्रशासन हाय हाय हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो हमारी मांगे पूरी करो धक्का शाही नहीं चलेगी धक्का शाही नहीं चलेगी चंडीगढ़ प्रशासन हाय हाय चंडीगढ़ प्रशासन हाय हाय सत्य कहेंगे सत्य लिखेंगे सत्य चलेंगे इमिग्रेशन पॉलिसी लागू करो लागू करो चंडीगढ़ प्रशासन हाय 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 चंडीगढ़ प्रशासन हाय 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 कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों को पॉलिसी बनाओ कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों के लिए रेगुलेशन पॉलिसी लागू करो जी मेरा नाम शिव मुहूर्त है। मैं ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ का जनरल सेक्रेटरी हूं और आज हमने ये कॉल ऑल कॉन्ट्रेक्चुअल कर्मचारी संघ बैनर के तले दी हुई है। मेन हमारी इसमें डिमांड है कि जैसे कि प्रशासन ने अभी एक तरह का एक लेटर निकाली है कुछ महीने पहले ही, उसके हिसाब से ये कहा जा रहा है कि 31 मार्च तक के बाद जितने कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी सेंक्शन पोस्टों पे काम कर रहे हैं उनकी नौकरी चली जाएगी। तो उसके अगेंस्ट हमने कई तरह के पहले भी प्रोटेस्ट कर लिए। 30 तारीख को भी हमने सेक्रेटरीट का घेराव किया, उसका 5 तारीख को मस्जिद ग्राउंड किया, उसके बाद हमने 16 तारीख को जो है यहाँ पर सेम संयुक्त मोर्चे की तरफ से ऐलान किया गया था और सबने वहाँ पर पार्टिसिपेट किया। लेकिन इतनी सारी प्रोटेस्ट करने के बाद भी अभी हमारी बात ज्यों की त्यों बनी हुई है, उस पर प्रशासन और सरकार जो है कोई सकारात्मक कार्रवाई नहीं कर रहा है। कुछ अभी तक पॉजिटिव रिजल्ट निकलकर सामने नहीं आया है। तो उसी के विरोध में आज हमने जो है सतारा सेक्टर में यहाँ पर एक मार्च निकालना है गवर्नर हाउस के लिए। बस उसके लिए हम यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। हमारी मेन डिमांड है कि अगर 24-25 सालों से लोग यहाँ पर जो चंडीगढ़ में काम कर रहे हैं उनके लिए कोई सिक्योर पॉलिसी बनाई जाए, उनके लिए नौकरी की सुरक्षा की जाए, ना कि एक तरह की चिट्ठी केंद्र सरकार की इस तरह की दिखाकर कि जितने मैक्सिमम साल काम करने वाले हैं उनको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। ये सरकार करने जा रही है, जिसका हम भारी समूह में विरोध कर रहे हैं और हमारे साथ बहुत सारी यूनियंस फेडरेशन अभी यहाँ पर इकट्ठी होनी है और सारे आ रहे हैं। संयुक्त मोर्चा आ रहा है, इसमें हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ऑफ टीचर्स आ रही है, हमारी फेडरेशन आ रही है हमारे, तो काफ़ी सारी। और इसके बाद अगर प्रशासन कुछ नहीं करता है तो बड़े लेवल पर संयुक्त कर्मचारी मोर्चे की तरफ से इतना बड़ा प्रोटेस्ट किया जाएगा, चंडीगढ़ के इतिहास में शायद ऐसा प्रोटेस्ट नहीं हुआ होगा। चंडीगढ़ में 20-25 सालों से कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी जो है सैंक्शन पोस्टों पे काम कर रहे हैं, विडम्बना यही है कि यहाँ पर कोई सुरक्षित पॉलिसी नहीं है। अभी 2022 से पहले यहाँ पंजाब के रूल लगते थे, तो हमारी यही मांग रही है ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ की, जो पंजाब की सुरक्षित नीतियाँ वो चंडीगढ़ में अडॉप्ट की जाए। और चंडीगढ़ की जो अफसरशाही ने उसको कभी अडॉप्ट नहीं किया। एक ऐतिहासिक जजमेंट आई थी सर्वोच्च न्यायालय की, उमा देवी की जजमेंट, जिसमें 10 साल की सेवा को नियमित किया जाना था, तो वो आज तक जो है कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारियों पर लागू नहीं की गई। तो हमारा ऑल कॉन्ट्रैक्चुअल कर्मचारी संघ की यही मांग है कि 10 साल की जो सेवा है उसको नियमित किया जाए और विभिन्न विभागों में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन में जितने भी कॉन्ट्रैक्ट कर्मचारी हैं एक मुश्ता जो है इनको जो मतलब पक्का करके जो है इनकी नौकरियों को नियमित किया जाए, जो कि नहीं किया जा रहा। अब 2022 से यहाँ केंद्रीय रूल लग गए हैं, तो उसकी एवज में जो है मतलब दिशा निर्देशों के अनुसार ये जो पोस्टें हैं सैंक्शन पोस्टें 5 साल से ऊपर पोस्टों को खाली मानकर उनको ख़त्म माना जा रहा, जिसके कारण बजट की समस्या बताकर आज एक अगार पे पहुंच चुके हैं कि 2,500 जो कर्मचारियों को 31 मार्च के बाद घर में बैठाने की पूरी तैयारी प्रशासन कर चुका है। तो हमारी जो चंडीगढ़ के सलाहकार जो हैं 19 तारीख को हमारी उनसे मीटिंग हुई थी, तो उन्होंने आश्वासन दिया था भी कोई ना कोई पर्सोनल विभाग इसके ऊपर कार्रवाई करेगा सकारात्मक, और अभी तक जो है फाइनेंस विभाग ने इसके ऊपर कोई अपना पल्ला नहीं पकड़ाया, जिसकी वजह से आज हमें सड़कों पे अपने बच्चों के साथ जो है उतरने के लिए मजबूर होना पड़ा।